प्यारे बच्चों, आज मैं हिंदी व्याकरण में जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ होता है सब नाम, अर्थात सब नामों के बदले में। सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा बताऊंगी। परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। यहाँ उदाहरण के लिए, जैसे मैं, तुम, वह, उसे, वह आदि सर्वनाम शब्द हैं। यहाँ वाक्य के द्वारा मैं आप लोगों को समझाती हूँ। यहाँ एक वाक्य है, राम जाता है, तो इस वाक्य में राम है संज्ञा शब्द। दूसरा वाक्य है वह जाता है, तो यहाँ पर वह है सर्वनाम शब्द। अर्थात जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त किया गया, राम के बदले में वह शब्द प्रयुक्त किया गया, तो वह हुआ सर्वनाम शब्द। अर्थात जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त किया गया उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब मैं आगे बताऊंगी सर्वनाम के भेदों के बारे में। सर्वनाम के चार भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। अब मैं एक एक करके इनका उदाहरण के साथ परिभाषा बताती हूँ। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन व्यक्ति आते हैं। एक होता है बोलने वाला, दूसरा होता है सुनने वाला और तीसरा जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। तो बोलने वाला स्वयं के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे हैं मैं, मेरी, मुझे, मेरा आदि। तो इसे उत्तम पुरुष भी कहा जाता है। अर्थात बोलने वाले को उत्तम पुरुष भी कहते हैं। दूसरा है सुनने वाले, इन्हें मध्यम पुरुष भी कहते हैं। तो उसके लिए तुम, तुम्हारा, तुम्हें आदि सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है अन्य व्यक्ति, इसे अन्य पुरुष भी कहते हैं। इसके लिए वह, उन्हें, वे आदि सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन व्यक्ति आते हैं। एक होता बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला और तीसरा जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हम लोग देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय का अर्थ होता है निश्चित रूप से किसी के बारे में, किसी व्यक्ति या पदार्थ या वस्तु के बारे में बताना। अर्थात निश्चित रूप से बताना कि यह वही व्यक्ति, वही पदार्थ या वस्तु है। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, वह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पर वह शब्द है, ये निश्चित रूप से बता रहा है कि वह मेरी पुस्तक है। यह तुम भी पढ़ लो, यहाँ पर यह शब्द है, ये निश्चित रूप से बताता है कि तुम यह पुस्तक पढ़ो। इसे तुम ले लो, तो यहाँ पर निश्चित रूप से बता रहा है कि तुम इसे ले लो। अर्थात ये सारे जो शब्द है वह, यह, इसे या उसी, ये निश्चितता को बता रहे हैं कि ये निश्चित व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ है। दूसरा भेद, तीसरा भेद हम लोग पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अनिश्चितता की ओर संकेत किया जाता है। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, यहाँ निश्चितता नहीं लेकिन अनिश्चितता होती है, उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो यहाँ पर कोई अनिश्चितता की ओर संकेत कर रहा है। कुछ खा लो, तो यहाँ कुछ शब्द अनिश्चितता की ओर संकेत कर रहा है, या किसी अनिश्चितता की ओर, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
अथवा पदार्थ के विषय में प्रश्न पूछने का बोध होता है। जैसे यहाँ पर है तुम क्या करते हो, तो यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, वह कहाँ रहता है, तो कहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन किसे आदि भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है क्या कहाँ कौन किसे, तो ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं इन शब्दों से, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आगे हमें जो संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध का अर्थ होता है जोड़ना, दो वाक्य को जोड़ना। तो संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम दूसरे वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध जोड़ा जाता है, अर्थात वाक्य में एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से बताता है। जैसे यहाँ पर मैं उदाहरण बता रही हूँ, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहाँ पर दो वाक्य है, जैसा करोगे तो वैसा भरोगे, वैसा संबंध स्थापित कर रहा है। तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है जैसा और वैसा, यहाँ पर दो वाक्यों को संबंध जोड़ता है ये शब्द। आगे है जिसने गलती की उससे सजा मिलेगी, तो यहाँ पर जिसने और उसे, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसने गलती की पहला वाक्य, उससे सजा मिलेगी दूसरा वाक्य है, तो जिसने और उसे है संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पर ये एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य के साथ स्थापित करते हैं, तो इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अंतिम में निज वाक्यक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपने लिए या खुद के लिए। जो वक्ता होता है, बोलने वाला होता है, वो खुद के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, वो खुद के लिए, स्वयं, आप, खुद आदि सर्वनामों का प्रयोग करता है। यहाँ वाक्य में देखिए, मैं स्वयं ही आ जाऊँगा, तो यहाँ पर स्वयं बोलने वाला खुद के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग किया। मैं आप ही कर लूंगा, यहाँ पर आप है निजवाचक